ले आए हो तो बार बार उसी से का प्रयोग करो, हर बार नया नहीं लाओ। और जो पैकेट में आ रहा है उसको भी कूड़े में फेंकने की बजाय अलग एक उसमें रखो और 15 दिन में एक अकेले पॉलिथीन का चक्कर लगवा दो और उसका एक गड्ढा बनवा लो, उसमें डाल लो, ट्रॉली पर हो जाए तो शेखपुरा सुहाना गांव है चंडाल के साथ ही, वहाँ डलवा दो। तो इतना करोगे तो सफाई रह जाएगी। एक कांग्रेस घास है, ये भी बहुत खतरनाक चीज है, देखा है उखाड़ के ले पॉलिथीन का वो घास है ना, वो कांग्रेस घास है, उसको दिखा देना एक बार। वो भी जहाँ हो उससे एलर्जी होती है बच्चों के, उसके जो फूल का रस होता है ना उससे सांस की बीमारी होती है छोटे बच्चों को। और इसका जो पत्ता है वो है, वो कहीं लग जाए तो दांत खाद खुजली हो जाती है। एलर्जी का पौधा है ये, हमारा अपना पुराना पौधा नहीं है, ये मैक्सिको से गेहूँ आया था उसके साथ इसका बीज आया, मैक्सिको वालों ने ख़त्म कर दिया। ये मेरा बेटा अमेरिका में रहता है तो मैं उसके साथ एक दिन मैंने कहा मैक्सिको चलना है, तो उसने बीजा वीजा लगवाया, मैंने कहा एक आदमी ऐसा दो मैक्सिकन जो बोलते हैं वो भाषा बोलते हैं, वो स्पेनिश बोलते हैं मैक्सिको बीजा, उसको हमें हम अंग्रेजी में बोल रहे तो उसको ट्रांसलेट करके बता दें। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ये जो ये इसका बायोलॉजिकल नाम तो कुछ और ही है, कांग्रेस ग्रास तो हम इसलिए कहते हैं कि जब हम गेहूं में आत्मनिर्भर नहीं थे तो गेहूं आता था, अमेरिका हमें गेहूं देता था मुफ्त में, कि भाई एक साल गेहूं कम हुआ अमेरिका में तो उन्होंने मैक्सिको को कहा कि हम पैसे दे देंगे इतना गेहूं आप हिंदुस्तान में, तो उस गेहूं के साथ ये बीज आया। तो वो अमेरिका में 2 सदन है, हमारे लोकसभा राज्यसभा है, वहाँ कांग्रेस और सीनेट है, जो बड़ा सदन है वो कांग्रेस है और जो छोटा है वो सीनेट है। तो कांग्रेस हमें एड देती थी वीट की, तो ये घास का नाम कांग्रेस ग्रास रख दिया इसी वजह से, क्योंकि उनके साथ गेहूं के साथ आया है, इसका पार्थिशियन कुछ ऐसा नाम है बायोलॉजी का। तो मैक्सिको वालों ने ख़त्म कर दिया, उनके राष्ट्रपति ने रेडियो पर संदेश दिया था कि भाई ये खतरनाक है, इसको उनको 7 साल लगे थे ख़त्म करने, क्योंकि इसका बीज इतना हल्का है 5 किलोमीटर तक हवा में चला जाता है। ये भी एक काम है इसको भी, बाकी भाईचारा जैसे अरुण ने बताया बना के रखो। कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें सारे लोग बुरे हों, कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें सारे लोग अच्छे हों, कोई जाति ऐसी नहीं है जिसमें सारे अच्छे हो, कोई जाति ऐसी नहीं है जिसमें सारे खराब हो। तो जाति धर्म की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई है अच्छाई बुराई, अच्छे लोगों को इकट्ठे होना चाहिए खराब लोगों से, चाहे वो किसी धर्म के हो किसी जाति के। ये धर्म के आधार पे बांटना, जाति के आधार पे बांटना, इसका कोई औचित्य नहीं है। भाईचारा बना के रखो, जो खराब लोग हैं उनसे बातचीत करके उनको भी कोशिश करो वो भी अच्छे। अच्छाई बुराई की लड़ाई है दुनिया में, या दूसरी लड़ाई है वो गरीब अमीर की हो सकती है, लेकिन जाति के आधार पे धर्म के आधार पे कोई लड़ाई का उचित नहीं। तो ये भाईचारा बना के रखो। तो बच्चों घर वालों को कहोगे पॉलिथीन ना लाए, और आ जाए तो क्या करोगे? कहाँ रखना है पॉलिथीन? अलग डस्टबिन लगानी है घर वालों को, पॉलिथीन के लिए अलग से डस्टबिन लगाए। थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं इनको, बच्चे बहुत प्रभावित कर सकते हैं चीज़ों को, बच्चों की बात नहीं टालते पेरेंट्स, हमारी तो सुन के निकालते हैं तो एक कान से सुन के दूसरे, बच्चों की तो रोज रोज पाड़ा पढ़ना है, रोज कहेंगे तो कितने दिन मना करेंगे। तो पॉलीथीन के लिए घर में भी अलग डस्टबिन रखना है, और घर वालों को कहना है घर से थैला लेके जाए, पॉलीथीन ज़्यादा ना लाए, ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद।